नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन दैट इज लैक्टुलोज के बारे में। लैक्टुलोज जो कि मार्केट में डुफालैक नाम से सिरप के नाम से, इविक्ट सिरप के नाम से, लूज सिरप के नाम से, लिवोलक सिरप के नाम से या एम्प्टी सिरप के नाम से पाई जाती है और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं, बट सब में होता है जो केमिकल वो है लैक्टुलोज। तो ये लैक्टुलोज है क्या? तो लैक्टुलोज एक नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर है जिसका मेन यूज जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में होता है। अब ये कैसे काम करता है? तो लैक्टुलोज एक ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर है, मतलब काफ़ी ऑस्मोटिकली एक्टिव है और जैसे ही हम ओरली इसे लेते हैं तो हमारे इंटेस्टिन में ये जाके हमारे इंटेस्टिन से ज़्यादा पानी को ये ड्रॉ करता है, खींचता है और स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है उसको सॉफ्ट बना देता है, जिसके चलते स्टूल जो है ईजिली पास हो जाता है। नेक्स्ट कि इसका जो है डोजिंग क्या है? तो इसका डोजिंग जो है लेस देन 14 ईयर्स में जो है बेटर है कि आप एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही इसे मतलब यूज़ करें। बट इसका जो डोज है ये है कि 1 ईयर्स में अगर हम बात करते हैं, लेस देन 1 ईयर्स तो अप टू 5 एमएल्स है, 1 ईयर टू 6 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 5 टू 10 एमएल्स है, 7 ईयर्स टू 14 ईयर्स की बात करें तो है 15 एमएल्स है मैक्सिमम और 14 साल से ऊपर में है हमारा 15 से 45 एमएल की। नेक्स्ट कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरिया है, नोज़िया है, वोमिटिंग है, पेट दर्द हो सकता है और शुरुआती डोज से जो है बहुत ज़्यादा गैस पास की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, पर्टिकुलरली जब हम लैक्टुलोज सिरप खा रहे हैं, तो कि जब भी आप ये सिरप जब ले रहे हैं उस दौरान आप वाटर इनटेक को ज़्यादा रखें, वाटर इनटेक जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि इसका काम करने का तरीका जो है इंटेस्टिन से पानी को ये खींचता है और खींचने के चलते जो है हमारे शरीर का पानी कम हो जाता है, इसलिए बेटर है कि बाहर से आप ज़्यादा पानी का सेवन करें। नेक्स्ट कि क्या डायबिटिक्स इसे यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट बताया कि ये नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर है, मतलब ऐसा शुगर जो हमारे इंटेस्टिन में जाएगा बट स्टिल ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है और अगर ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारा शुगर नहीं बढ़ेगा और डायबिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा बॉदर करने की बात नहीं है। नेक्स्ट कि क्या इसे प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर को दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है ओनली अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। हालांकि प्रेगनेंसी में, लैक्टेशंस में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ये सेफर है क्योंकि ये कैटेगरी जो है बी में आती है, प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आती है और प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आने वाले सारे मेडिसिन जो हैं मोर और लेस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, सुझाव दें, अपना कीमती सुझाव दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका आंसर ज़रूर ही मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।